निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। विफाक और पंजाब हुकूमत का मुफ्त आटे की फराहमी के लिए एक और बड़ा फैसला। काबीना की एक आटा थैला लेने वाले तमाम खानदानों के लिए बयक वक्त 20 किलो आटा देने की मंजूरी। इस फैसले का इतलाक 29 मार्च से हो चुका है। शहरियों को बार बार सेंटर के चक्कर लगाने की जहमत नहीं होगी। इजलास से पंजाब भर में मुफ्त आटे की फरहमी का तफसीली जायजा लिया। रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज का जायजा लिया गया। तो इस फैसले का इतलाक होगा 29 मार्च से। सूबाई वुजरा और आला हुक्काम पर मुश्तमिल कमेटी भी इस हवाले से तश्कील दे दी गई है, जबकि कमेटी रजिस्ट्रेशन के हवाले से अपनी हतमी सिफारिशात पेश करेगी। पंजाब काबीना का आटे की फरहमी के अमल पर इत्मीनान का इजहार। और अब तक तकरीबन 70 लाख से जायद आटे के थैले मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जा चुके हैं, उनको ये ब्रीफ किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सूबाई वुजरा सेक्रेटरीज तसलसल के साथ सेंटर्स के दौरे जारी रखें। वजीर आला की जानिब से इस मौके पर मजीद क्या कहा गया, अली रामे हमारे साथ हैं, उनसे सूबाई काबीना के इजलास का मजीद अहवाल जान लेते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, सूबाई काबीना का इजलास जो है वो वजीर आला पंजाब की सरबराही में हुआ और इस इजलास में आटे की मुफ्त फराहमी के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया गया और उस पर रिपोर्ट जो है वो तलब की गई। तो 70 लाख से जायद का आटा जो है वो शहरियों तक मुफ्त जो है वो निगरान हुकूमत की तरफ से फ्राहम किया जा चुका है। और दूसरी तरफ एक और अहम फैसला मुफ्त आटे के हवाले से जो निगरान हुकूमत ने किया वो ये था कि अब 20 किलो का आटे का थैला जो है वो लोगों में तकसीम किया जाएगा और उसके साथ ही 29 मार्च से बाकायदा इसका इतलाक जो है वो कर दिया जाएगा। और इजलास में मुख्तलिफ और भी एजेंडे जो है वो अप्रूव किए गए थे, जिसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुलाजमीन को उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी, सोशल वेलफेयर के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी और महकमा सेहत में डॉक्टर दिगर अमले के लिहाज को भर्ती करने की मंजूरी जो है वो भी निगरान हुकूमत की तरफ से दी गई। और इस मौके पर मुफ्त आटे के हवाले से वजीर आला पंजाब ने फैसला किया कि सूबाई वजरा और सेक्रेटरीज हैं वो फौरी तौर पर मुतलका अपने सेंटर जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटियाँ तफ्तीश की गई हैं वो फौरी तौर पर वहाँ पे चेक करें। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की रिपोर्ट जो है वो भी पेश की गई, जिस पर निगरान काबीना ने अदम इतमान का इजहार किया और कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में 1050 बच्चे जबकि 750 का अमला जो है वो काम कर रहा है। तो ज्यादातर एक्सपेंडिचर अमले के ऊपर जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। तो इस पर निगरान हुकूमत ने बच्चों की बेहतर देखभाल पर मजीद करने की हदायत दी और मजीद रिपोर्ट जो है उनसे तलब भी की। जी बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ थे, तफसील नागाह कर रहे थे।